आज हम आपको बताने वाले हैं विश्व के खतरनाक हवाई पट्टियों के बारे में। आपको कैसा लगेगा जब एक हवाई जहाज आपके सिर से 10 से 20 मीटर ऊपर से गुजर जाए या फिर आपको ट्रैफिक सिग्नल पर रोक दिया जाए क्योंकि आगे से हवाई जहाज की लैंडिंग होने वाली है, या फिर आप जिस हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं वो एक पहाड़ियों से घिरे हुए एयरपोर्ट पर लैंड करे। अजीब है ना, पर यह कोई सपना नहीं, हकीकत है। आज हम आपको ऐसे ही खतरनाक हवाई पट्टियों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला एयरपोर्ट, अंटार्कटिक बर्फ से ढका हुआ एयरपोर्ट। यह अमेरिका में बर्फ से ढकी हुई हवाई पट्टियां हैं और ये यहाँ की सबसे मुख्य और बहुत ही मजबूत हवाई पट्टी है। इस हवाई पट्टी पर विशाल बोइंग 757 भी उतारा जा चुका है। इस हवाई पट्टी की सबसे खौफनाक चीज है इसकी फिसलन। जब हवाई जहाज इस पर लैंड करता है तब जहाज जिस तरीके से लैंडिंग के वक्त फिसलता है वो नज़ारा मौत के बराबर ही डरावना होता है। दूसरा एयरपोर्ट जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं वो है जिब्राल्टर एयरपोर्ट। जिब्राल्टर एयरपोर्ट का खतरनाक रनवे विस्टन चर्चिल एवेन्यू नामक सड़क को पार करके गुजरता है। जब भी विमान की लैंडिंग होती है सड़क के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। ये दुनिया का सबसे अनोखा एयरपोर्ट है। तीसरा एयरपोर्ट जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं वो है प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेंट मार्टिन का प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक माहो बीच के पास बना हुआ है। दूर दूर से पर्यटक इस एयरपोर्ट को देखने आते हैं। जब हवाई जहाज लैंड करता है तब यह पर्यटकों के सिर से 10 से 20 मीटर ऊपर से गुजरता है। इसी डर का अनुभव करने और देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। चौथा एयरपोर्ट है तेजिंग हिलेरी एयरपोर्ट। तेजिंग हवाई अड्डा खुम्बू नेपाल में बना हुआ है। यह एयरपोर्ट बहुत ही ऊंचाई पर और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस एयरपोर्ट की हवाई पट्टी बहुत ही छोटी है जिसका स्टॉप एक गहरी खाई से पहले है। इस हवाई जहाज की लैंडिंग आपको एक गहरी खाई में गिरने का एहसास कराएगी। पांचवा एयरपोर्ट है मदिरा एयरपोर्ट। मदिरा एयरपोर्ट एक तरफ पहाड़ियों और दूसरी तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। इस पर सिर्फ दो रनवे बने हुए हैं। इस पर हवाई जहाज की लैंडिंग बहुत ही रोमांचकारी होती है। तो दोस्तों, ये थे विश्व के सबसे खतरनाक हवाई पट्टियाँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।